फ्रेंड्स, न्यू चेंज को समझने के लिए आपको नोटिफिकेशन नंबर 76 को समझना जरूरी है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और आपको रेलेवेंट लगे तो शेयर भी कर देना। लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस। इस नोटिफिकेशन ने बोला था, हेयर बाय वेव्स द अमाउंट ऑफ लेट फी पेबल बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन अगर वो फाइल नहीं करते हैं जीएसटी 3B बाय द ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 17 ऑनवर्ड्स, और आपको मैक्सिमम लेट फीस लगनी थी 25 पर डे पर एक्ट। पर एक्ट क्यों है? क्योंकि ये सीजी में आई थी, एसजी में भी सिमिलर नोटिफिकेशन है, तो आपको पर डे लगनी थी 50। और अगर आपका सेंट्रल टैक्स पेबल बनना था इन द सेट रिटर्न इज नील, मतलब अदर देन नील के लिए 50 पर डे, बट अगर आपकी जीएसटी 3B में नील टैक्स बनता है तो उस केस में आपको लेट फीस लगनी थी मैक्सिमम 10 पर डे पर एक्ट, मतलब 20 पर डे। तो इसके लिए गैजेट ऑफ इंडिया पार्ट 2 सेक्शन 3 30 जून में चेंजेस कर दिए हैं और न्यू नोटिफिकेशन नंबर 57 को इशू किया है बेसिस पावर कंफर्ड बाय सेक्शन 128, और इसने एग्जिस्टिंग नोटिफिकेशन नंबर 76 को अमेंड कर दिया फर्दर। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन मेंशन्ड इन कॉलम 2 ऑफ द टेबल ऑफ द अबव प्रोविजो, अभी दिखाऊंगा, who failed to furnish the return for the tax period as specified in column 3 of the said table according to the condition mentioned in corresponding entry in column 4. तो इसके लिए आपको देखनी पड़ेगी notification number 52 जो issue हुई थी 24 जून को, जिसने बोला था कि अगर आप इन column 2 में fall करते हो, column 3 के लिए अगर आप फाइल कर देते हो एज पर कॉलम 4 डेट्स, तो आपको लेट फी नहीं लगाई जाएगी, चाहे आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या 5 करोड़ तक है या 5 करोड़ है। बट अगर आप इन ड्यू डेट्स तो वही है जो ओरिजिनल ड्यू डेट है, बट इन रिवाइज डेट्स के बाद अगर आप फाइल करोगे तो लेट फीस आपकी काउंट होगी ओरिजिनल ड्यू डेट से, काउंट होगी ओरिजिनल ड्यू डेट से। बट अब इन डेट्स को एक्सटेंड किया है, उसके लिए आपको फिर से समझना पड़ेगा, बट फर्निशेस द सेड रिटर्न टिल द 30th डे ऑफ सितंबर 2020, मतलब जो मैंने आपको अभी डेट्स दिखाई कॉलम 4 की, वहां तक फाइल नहीं करोगे बट 30th सितंबर तक फाइल कर दोगे कि आपकी लेट फी को वेव कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 47 शैल स्टैंड वेव्ड व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीस। आपको गाइस ये जो हाइलाइटेड पोर्शन है इसे रीड मत करना, इसमें एक कंफ्यूजन आ रही है, मैं आपको दिखाऊंगा। शैल स्टैंड वेव्ड व्हिच इज इन एक्सेस ऑफ 250 रुपीस फॉर दोस टैक्स पेयर वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इन द सेड रिटर्न इज निल। अगर आपकी जीएसटी और सीवी में लाइबिलिटी बनती है निल, तो उस केस में आपको लेट फी मैक्सिमम लगाई जाएगी 250 पर रिटर्न पर एक्ट, मतलब मैक्सिमम कितनी लगेगी पर रिटर्न 500। कब? जब आपका टैक्स पेबल बनेगा 3B में निल। अब मेरी कंफ्यूजन है, अब हमने इसको पढ़ लिया विदाउट रीडिंग दिस एंड शैल स्टैंड फुली वेव्ड, ये वर्ड क्यों डाला जा रहा है? मुझे ये कंफ्यूजन इसलिए हो रही है, कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया, कि ये शैल स्टैंड फुली वेव्ड तब अप्लाई हो रहा है जब आपका टैक्स पेबल निल है, और ये जो 250 पर रिटर्न पर एक्ट है ये तब अप्लाई होगा जब अदर देन निल रिटर्न है। क्योंकि देखो ना, इन्होंने एंड शैल स्टैंड फुली वेव्ड क्यों लिखा है? अब आप ध्यान से समझना, अब आप सिर्फ ये पढ़ो, शैल स्टैंड फुली वेव्ड फॉर दोस टैक्स पेयर वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इन द सेड रिटर्न इज नील, कि मतलब फुली वेव हो जाएगी जब आपका टैक्स पेबल बनता है नील। तो मतलब अगर नील नहीं बनेगा तो आपकी वेव हो जाएगी जब आपका 250 से ज्यादा है, तो मतलब मैक्सिमम लेट फी लगेगी 500। तो मुझे ये वर्ड कंफ्यूज कर रहा है, एंड शैल स्टैंड फुली वेव्ड। तो देखते हैं कुछ क्या कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग में गलती है, बट मैंने किसी और के साथ भी डिस्कस किया तो उसका भी ये व्यू पॉइंट निकल के आ रहा है। तो मैं अगला आपको चेंज बताता हूं। अब जो लास्ट टैक्स पेयर है मोर देन 5 करोड़, उनके लिए फेब मार्च अप्रैल की ही सिर्फ ड्यू डेट थी, मई जून जुलाई की ड्यू डेट वही है जो ओरिजिनल ड्यू डेट है। हाँ, मई के लिए आपकी 27 जून ड्यू डेट है, उसको एक्सटेंड किया हुआ था, बट जून जुलाई के लिए तो वही ड्यू डेट है जो 20th है। अब उनके लिए भी एक बेनिफिट दिया है कि अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और उन्होंने 3B को फाइल नहीं किया फॉर द मंथ ऑफ मई जून जुलाई,
मतलब जून और जुलाई की 20th तक फाइल नहीं किया और मई मंथ की 27th तक फाइल नहीं किया, तो उस केस में अगर आप फाइल कर देते हो 30th सितंबर तक, तो आपकी लेट फी को वेव कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 47, शैल स्टैंड वेव्ड विच इज इन एक्सेस ऑफ 250 rupees फॉर दोस टैक्स पेयर वेयर द टोटल अमाउंट ऑफ सेंट्रल टैक्स पेबल इन द सेट रिटर्न इज नील। मतलब अगर आपका 3B में टैक्स नील बनता है तो आपको लेट फी वेव कर दी जाएगी। बट फिर से मेरी कंफ्यूजन है कि यहाँ पर एंड शैल स्टैंड फुली वेव्ड क्यों लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया। और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो जाएगी 25 जून से। सेकंड चेंज आता है ईवे बिल के रिगार्डिंग, अगर आपने उसको जनरेट किया 24th मार्च से पहले और उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है ऑन और आफ्टर 20th मार्च, तो मान लिया जाएगा कि ईवे बिल हमारा वैलिड है टिल 31st अगस्त 2020। और अगर आपकी जीएसटी 5, 6, 7, 8 एप्लीकेबल है, 5 नॉन रेजिडेंट के लिए, 6 ISD इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, 7 TDS के लिए, 8 TCS कलेक्टर, टैक्स पीरियड मार्च अप्रैल मई जून एंड जुलाई के लिए, जिसकी ड्यू डेट थी 20th, 13th, 10th and 10th ऑफ सक्सीडिंग मंथ एज द केस मे बी, इनकी ड्यू डेट को भी एक्सटेंड कर दिया है 31st अगस्त 2020। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ भी शेयर करना, बिकॉज ये इन्फॉर्मेशन काफी रेलिवेंट है, और अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना एंड शैल स्टैंड फुली वेव्ड के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।